दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल आर्मी कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डालो आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उस पर अप्लाई कर सकें। पाकिस्तान नेवी में बतौर सेलर जो है वो बैच एक पूरा उन्होंने हायर करना है। ये 2C 2022 के नाम से बैच है मर्दों के लिए पाक मैरीन में आला पेशा वाराना खिदमत से अंजाम देने का मौका। इसमें सिर्फ मेल चाहिए, अहलियत की शरायत एक तो पाकिस्तानी सिटीजन हो और दूसरा मेल हो और गैर शादीशुदा हो। इस कंडीशन की मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं ये कंडीशन क्यों डाली है। बहरहाल अनमैरिड लोग होने चाहिए। अच्छा, इसमें कलीमी का ये जो है वो मैट्रिक है साइंस के साथ। देखें कितने कम क्वालिफिकेशन ने मांगी है, 60% नंबर होने चाहिए और मैट्रिक के साथ मैट्रिक होना चाहिए साइंस के साथ। यकम मार्च 2023 तक 21 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और कम से कम कद जो है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। उसके बाद तरीका इंतखाब और भर्ती का प्रोग्राम, रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होगा से अच्छा। ये रजिस्ट्रेशन ये साइट पे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आप लोगों का जो प्रोसेस है वो ये होगा। हायरिंग प्रोसेस 1 सितंबर 2022 से तमाम रजिस्टर्ड शुदा उम्मीदवारों को जहानत का और मदरजा जैल मजामी में तहरीरी इम्तिहान कंप्यूटर पर होगा। आप लोगों का ये इसमें इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जनरल नॉलेज है और इंटेलिजेंस वगैरह का टेस्ट होगा। आप लोगों का मैट्रिक के जो आप लोगों का कोर्स है स्टडी आउटलाइन है उसमें से होगा ये 1 सितंबर को। और उसके बाद PNR एंड SC उसदार का इब्तदाई इम्तिहान क्वेटा सेंटर में, मुल्तान सेंटर में, मुख्तलिफ सेंटर में होगा। उसके बाद रजिस्टर शुदा उम्मीदवारों को इब्तदाई इम्तिहान के लिए तारीख बता दी जाएगी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जिस्मानी सिद्धांत का इम्तिहान होगा आप लोगों के लिए। 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आप लोगों ने भागना होगा, 15 वक्त आप लोगों ने 2 मिनट में सेटअप करने होंगे और पुशअप होंगे और 4 मरतबा चिन अप्स होंगे। अच्छा, इंटरव्यू और तभी मुआयना वगैरह आप लोगों का होगा, उसके लिए टेस्ट क्वालिफाई करने और फिजिकल टेस्ट के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा और फिर आप लोगों का जो है वो मेडिकल टेस्ट भी होगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आरसी इंतखाबात और हतमी नतज, ट्रेनिंग का आगाज 2023 से ट्रेनिंग का आगाज होगा और बाकी ये चीजें आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसमें मुलाजमत के दौरान जो आप लोगों को सहूलियात दी जाएंगी, मुफ्त खाना, रहायश, यूनिफॉर्म, इंश्योरेंस, फैमिली, शादी के बाद अगर आपकी जॉब हो जाती है शादी के बाद फिर आप लोगों की फैमिली को भी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। ये हवाई जहाज रेट के सफर की 50% डिस्काउंट होगा। वालदैन बीवी बच्चों का मिलिट्री नेवी में फ्री इलाज होगा और कोर्सेज और डेपुटेशन पर बैरूनी मुल्क जाने का मौके भी दिए जाएंगे वगैरह वगैरह। ये मोबाइल रिक्रूटमेंट है ना अहलियत वगैरह, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ उस पेज पे जहाँ पे के बताया गया है कि हमने अप्लाई करना कैसे है। ये है स्कीम की साइट joinpaknavy.gov.pk, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप लोगों ने क्लिक करना पहुंच जाना है इस पेज पे। ये जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट देखी है ये एडवर्टाइजमेंट पड़ी हुई है और ये क्राइटेरिया फॉर सेलर बैच अभी जो हमने देखा है ये क्राइटेरिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ये नीचे दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से स्लिप निकालेंगे। स्लिप के बाद फिर आप लोगों ने अपना वेट करना है और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, फिर आगे जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। अच्छा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला सामने जो है वो पेज ऊपर आ जाएगा। सबमिट फॉर्म करना है आप लोगों ने, ब्रांच मैरीन ये एक ही है, इसमें ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। सर्विस कैंडिडेट है या सिविलियन है, फुल नेम, सीएनआईसी देना है, फादर गार्डियन का नाम देना है, फादर का सीएनआईसी देना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, मैरिड स्टेटस सिंगल, अगर मैरिड लिखोगे तो पहले रिजेक्ट कर दिए जाओगे। रिलीजन और सेक्ट क्या है, सुन्नी हो, शिया हो, क्या हो, ये बताना है और बाकी ये सारा डाटा देने के बाद आप लोगों ने फॉर्म सबमिट करना है
और ये जैसे सबमिट होगा तो इसका सेकंड लिंक है ये वाला, यहाँ से फिर आप लोगों ने जाके स्लिप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेनी है। आप लोगों ने पहले जैसे सीएनआईसी से अप्लाई किया था वही सीएनआईसी यहाँ देंगे, सबमिट करेंगे तो आप लोगों के सामने स्लिप निकल आएगी, स्लिप का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेंगे। बाकी अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये यहाँ पे ये सेंटर दे दिए गए हैं, इनका एड्रेस भी अवेलेबल है, जिस पे क्लिक करेंगे वो उसका एड्रेस सामने ऊपर हो जाएगा, नंबर भी दिया हुआ है, वहां पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दुआओं में याद रखिएगा, ऑल द बेस्ट।